थोड़ी देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होने जा रही है बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जगह उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किनारा किया। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की है। ममता ने कहा नीति आयोग की जगह योजना आयोग लाया जाए, मौजूदा आयोग के पास कोई वित्तीय ताकत नहीं है। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों और मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। यूपी बीजेपी में असंतोष के बीच दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले सीएम योगी। उपचुनाव और राजनीतिक हालात पर हुई है चर्चा, सोर्सेस के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हैगाम इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। एक आतंकी को ढेर किया गया, 2 जवान भी घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा भारत अपनी भूमि की रक्षा करने में सक्षम है। देश के लोगों, सरकार और सेना ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर रोक लगाई है। एंट्री ने नीट यूजी का रिवाइज फाइनल रिजल्ट आखिरकार घोषित किया। टॉपर की संख्या 61 से घटकर 17 हो गई है। रिवाइज रिजल्ट में 4,00,000 छात्रों की बदली रैंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है रिजल्ट। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया। सिद्धरमैया सरकार ने कहा लोगों की मांग पर नाम बदला गया। दिल्ली पहुंचने के बाद ममता बनर्जी केजरीवाल की पत्नी और माता पिता से मिली हैं। माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ में आप सांसद राघव चड्ढा भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नहाने के घाट पर पानी भर चुका है, डूब गए हैं घाट। शिवानंद आश्रम का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घाट के पास दुकानों में भी पानी भरा है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से सावधान रहने के लिए कहा। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, धर्म गंगा नदी उफान पर है। मलबे की चपेट में आया एक मकान, पानी के तेज बहाव में कई दुकानें गिरी। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाके में भरे बाढ़ के पानी में तैरता हुआ नजर आया मगरमच्छ। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। मलबे में फंसे एक शख्स की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद अपार्टमेंट में फंसे 11 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। महावीर नगर के अपार्टमेंट कैंपस में घुसा पानी। राजस्थान के दौसा में 2 दिनों से बारिश की वजह से मित्रपुरा गांव में बाढ़ जैसे हालात है। मकानों में पानी घुस गया है। गांव वालों की मदद में प्रशासन जुटा हुआ है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंग वॉर। एक गैंग के 3 बदमाशों ने दूसरी गैंग के 2 बदमाशों पर चाकू से हमला किया। घायलों की हालत गंभीर है। झारखंड के धनबाद में नौकरी के लिए चक्कर लगा रहे युवक को डंपर ने मारी टक्कर। युवक की मौत के बाद आगजनी और पथराव। पुलिस ने हालात काबू करने का दावा किया। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वर्सोवा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, खुद की पार्टी भी बनाने की बात कही। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के माता पिता के तलाक को लेकर पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। पूजा पर यूपीएससी परीक्षा में गलत तरीके से ओबीसी का लाभ लेने का आरोप लगा है। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी के माता पिता समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। 19 मई को हुआ था सड़क हादसा। जंग के बीच पीएम मोदी अगले महीने यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पहली बार यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। युद्ध रोकने को लेकर हो सकती है बात। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गई है कमला हैरिस, जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद उम्मीदवार बनी है। उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद कमला हैरिस ने कहा हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी।
पेरिस में हुआ ओलंपिक का रंगारंग आगाज, सीन नदी के किनारे भव्य समारोह। 16 गेम्स में उतरेंगे 117 भारतीय खिलाड़ी। आज बैडमिंटन के मेंस डबल्स में रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी फ्रांस के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। कोलंबिया के बोगोटा में यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों का सड़कों पर हंगामा। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमेरिका में इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान का विरोध। यमन की राजधानी सना में इसराइल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। यमन के हुदैदा पोर्ट पर इसराइल ने किया था भीषण हमला। हूती विद्रोहियों ने अपने लड़ाकों को हमास के लिए गाजा जाने के लिए कहा है।